जोधपुर से खबर, निकाहनामा को लेकर हाईकोर्ट का ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण फैसला। निकाहनामा को कोर्ट ने माना वैवाहिक प्रमाणिकता का वैध दस्तावेज। राजस्थान हाईकोर्ट ने निकाहनामा को लेकर कहा कि निकाहनामा एक वैध दस्तावेज है, लेकिन इसकी भाषा सुगम होना जरूरी है। उर्दू के साथ हिंदी या अंग्रेजी में इसका दुभाषी होना भी जरूरी है। जस्टिस फरजंद अली की एकलपीठ ने मामले में महत्वपूर्ण व्यवस्था दी। निकाहनामा की भाषा सरल और स्पष्ट होना अत्यंत आवश्यक है, ताकि सरकारी संस्थानों और न्यायालयों में पुलिस अन्य संबंधित विभागों द्वारा इसे आसानी के साथ समझा जा सके। हाईकोर्ट ने काजी और मौलवियों के लिए भी जारी किए दिशा निर्देश, तो वहीं कोर्ट ने राज्य सरकार को भी निर्देश दिया है। काजियों और मौलवियों के लिए भी सरकार ने आदेश जारी किया है। जिला कलेक्टर के कार्यालय में निकाह संपन्न करने के लिए अधिकृत काजियों की सूची दर्ज की गई। अल्पसंख्यक विभाग को भी हाईकोर्ट ने दिशा निर्देश जारी किए। इस मुद्दे पर विचार विमर्श करने और उचित कदम उठाने के लिए निर्देश दिए गए। राज्य के अल्पसंख्यक मामलात के विभाग सचिव को पेश होने के लिए आदेश जारी किए गए। और अधिक जानकारी के साथ निजाम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निजाम, यह आदेश जारी किया गया है, मौलवियों के लिए भी आदेश जारी किया गया है कि निकाहनामा जो है उसको एक सरल भाषा में पेश किया जाए, क्या कुछ जानकारी? देखिए, राजस्थान हाईकोर्ट के इस एकलपीठ के फैसले के महत्वपूर्ण और ऐतिहासिकता इस बात से हो जाती है कि उन्होंने निकाहनामा, राजस्थान हाईकोर्ट ने निकाहनामे को एक वैध दस्तावेज माना है शादी के लिए। इसके साथ ही लेकिन ये भी एक सवाल खड़ा किया है कि जब ये किसी ऐसे भाषा में होता है जिससे कि सरकारी या फिर प्रशासनिक लोग नहीं समझ पाते, इसलिए इसका दुभाषी होना जरूरी है, यानी कि उर्दू के साथ हिंदी या फिर अंग्रेजी में भी इसका जरूर हो। इसके साथ ही देखिए, इस महत्वपूर्ण बात ये कही है राजस्थान हाईकोर्ट ने कि निकाहनामा एक वैध दस्तावेज है शादी का, जो कि जो रिचुअल तरीके से अगर पाया जाए तो इस्लाम के लोग मानते हैं। और इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात ये कही कि चूंकि ये सभी जिला जो जारी करने वाला काजी है या फिर मौलवी है, उनका जो रजिस्ट्रेशन है कलेक्टर के पास होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन यानी सूची होनी चाहिए कि कोई भी ऐसे व्यक्ति, कोई भी इसको जारी नहीं कर सके, और कलेक्टर के पास इसका सूचीबद्ध होना चाहिए। इसी को लेके राजस्थान हाईकोर्ट ने अब इसके अगले मामले की सुनवाई 10 दिसंबर को रखी है, और इसके लिए साथ ही जो अल्पसंख्यक विभाग के सचिव है राजस्थान के, उनको उस दिन तलब किया है, बुलाया है, ताकि वो इस मामले में अपने सुझाव दे सके। साथ ही दूसरे जो लोग हैं AG सहित, उनको भी विचार विमर्श करने के लिए, अगला कदम उठाने के लिए आमंत्रित किया है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस फैसले की आती है वो यही है कि निकाहनामे को दुभाषी होना चाहिए या कोई भी द्विभाषी होना चाहिए, यानी जिससे कि आसानी से समझ में आ सके, चाहे वो कम से कम निकाहनामा जो है या तो हिंदी या अंग्रेजी में दूसरी भाषा में होना चाहिए, जिससे कि समझने में आसानी आ जाए। काजी और मौलवी के लिए भी हाईकोर्ट ने निर्देश जारी किया है, और सरकार को भी निर्देश जारी किए हैं कि वो काजी और मौलवियों के लिए निर्देश जारी करे कि वो दो भाषाओं में अपना निकाहनामा रहे और जो प्रिंटेड हो। और इसके साथ ही जिला कलेक्टर को भी ये निर्देश है कि वो अपने पास जो शादी कराने, निकाह कराने वाले, जो संपन्न निकाह संपन्न कराने वाले लोग हैं, चाहे वो काजी हो चाहे मौलवी हो, उसका जिला कलेक्टर कार्यालय में एक रजिस्टर रखा जाना चाहिए जिसमें उसकी पूरी डिटेल उपलब्ध होनी चाहिए। निजाम, कोर्ट के इस आदेश के बाद में मुस्लिम पक्ष का और मौलवियों का क्या रुख है फिलहाल? देखिए, इसमें किसी तरह की नेगेटिव बात नहीं कही गई है, ना ही इसमें किसी बदलाव की बात कही गई है। केवल इतना है कि ये आम लोगों तक आसानी से समझ आ सके, और खास तौर से जब निकाहनामा किसी भी सरकारी दस्तावेज में लगाया जाता है तो जरूरी है कि वो वहां के लोग उसको समझ सके। इसीलिए ये एक कह सकते हैं सुविधा के लिए हाईकोर्ट का इस फैसले को उसमें पक्ष में माना जाए कि ना तो उनके खिलाफ किया है, ना ही मौलवी और काजी जो उनको रोका गया है, बल्कि उनका उसमें एक सहयोग जोड़ा गया है ताकि उनका जो निकाहनामा है जो हर कोई जारी नहीं कर सकेगा, जो जारी करते हैं, चूंकि देखिए काजी जो है वो भी इस्लाम में एक पदवी होती है और तभी काजी ही जारी कर सकता है या फिर एक सीनियर मौलाना वही जारी कर सकते हैं। ऐसे में कोई भी जारी नहीं कर पाए, इस पे एक लगाम लगाने की वाली बात अपना पाएगी, लेकिन कोर्ट ने किसी तरीके से इसमें बंदी से नहीं की है। ये एक याचिका की सुनवाई के दौरान मामला सामने आया था, जिसके बाद हाईकोर्ट ने ये आदेश दिए। चलिए निजाम, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।